अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो सुपेटा। बुआ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। बात क्या है बेटा? बुआ वो शगुन का फोन काफी बार मिला है, मैंने वो उठा नहीं रही है, तो बात करवा देंगे। तो शगुन तो घर पे है नहीं। घर पे नहीं तो कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? और क्यों? वो युग है ना, उसने अपनी ही कंपनी में चोरी की है, तो उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने गई है। ये सब कब हुआ? सुनने को तो मिला है कल रात की बात है। इतनी बड़ी बात होगी और शगुन ने मुझे बताया तक नहीं। अब मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो अपनी बीवी से पूछना चाहिए ना कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। शर्म आ रही होगी उसे कि उसके भाई ने चोरी की है। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ अशोक। यू शगुन का भाई है ना? शगुन ने कुछ कहा तुमसे? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अच्छे से पता है तुम इस वक्त युग नहीं शगुन के बारे में सोच रहे हो। तुम उससे नाराज हो, बस इसी तरह तुम्हारे बीच दूरियां पड़ती रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माही तुम यहाँ क्या कर रही हो? चोरी तो 12 और 2 के बीच में हुई है, उस वक्त आप हमारे साथ थे। फिर आप पुलिस को बता क्यों नहीं रहते कि आप हमारे साथ थे? मैं पुलिस को ये सब नहीं बता सकता। जब ये सच आपको बेगुनाह साबित कर सकता है तो आप क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम रात भर किसी लड़के के साथ थी तो तुम्हारी बदनामी होगी और यहाँ पे बातें आग की तरह फैलती हैं। माई ये सोचकर आपको उस जुर्म की सजा भुगतने की जरूरत नहीं है जो किसी और ने की है। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माई, जो चीज मैंने की ही नहीं है उसकी सजा मेरे को मिल कैसे सकती है? लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको तो सबूत चाहिए होगा ना। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए आप पुलिस को सब बता दीजिए। मैं किसी कीमत पर नहीं बता सकता। ठीक है, आप खुद जाकर नहीं कहेंगे ना, तो हम खुद ही जाकर बता देते हैं। माही मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तुम्हारी बदनामी हो सकती है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, कोई भी तुम्हें यकीन नहीं करेगा माही कि सच में तुम मुसीबत में थी, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकता। आपका भी तो परिवार है ना माई। रो मत और सुनो, यहां से जाने के बाद किसी को भी ये बात मत बोलना माही। माही सुन रही हो ना, और दोबारा यहां मत आना। ये क्या है? हमारी नानी ने दिया था, वो कहती थी ये एक रक्षा कवच है, ये जिनके पास होता है ना गणपति बप्पा उनकी रक्षा करते हैं, तो ये आप अपने पास ही रखना। मैडम कुछ चाहिए? दो लेमोनेड लेती हूँ। ओके मैम। मैं कॉल करके आता हूँ। सुकून फोन उठाओ। Thank you.
शुभ सर। हेलो, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, तुम फोन क्यों उठा रही हो, कहाँ हो तुम? मुझे पता नहीं चला, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। नेटवर्क प्रॉब्लम? अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? काकू चाची सब ठीक है? शुभ सर, युग से बात हुई? उसकी जॉब कैसे चल रही? हाँ, बात हुई ना, अच्छी चल रही नौकरी उसकी, सब कुछ अच्छा है। शगुन, कब तक झूठ बोलोगी मुझे? जो कल रात से जेल में है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। आप इस शहर में नहीं है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब मैं वापस आ गया। शुभ से मेरी बात, आप मैं क्या करूं? मैं वॉशरूम जा के आता हूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पति जेल में है और पत्नी उसे मिलने ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? और जब से मुझे पता चला है ना तुम जेल में हो, मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। और पता है, तुमसे मिलने के लिए ना तड़प रही थी मैं। अपनी बकवास बंद करो तुम। अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुमने कुछ खाया? कुछ ऑर्डर कर दूं क्या? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ ना प्यार, तो अपनी ये नौटंकी बंद करो और यहाँ से जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ, और ये केस वगैरह सब हैंडल कर लूंगी मैं, डोंट वरी। अच्छा, भला तुम ये मेरे लिए क्यों करोगी? वो सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें मदद चाहिए या नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब बहुत सिंपल सा है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मैं यहाँ से छुड़वा लूंगी, बस तुम्हें मेरी छोटी सी बात माननी पड़ेगी। कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब ये कि तुम डिवोर्स पेपर्स वापस ले लो, मेरे साथ रहो लोग, सिर्फ मेरे बनकर मुझसे प्यार करो, हमारी शादी को बचाते हैं युग, चलो। तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है कि मैं जेल में रहूं। फाइन, मेरा बाबू तो सड़ो जेल में। गलती होने के बावजूद ना कोई फोन ना कोई कॉल, मैं भी देखता हूँ कब तक सकता है ऐसा।